एवरीवन, कैसे आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो। फिर से आ गए आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ने और उनके प्यारे प्यारे जवाब देने। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू कि आप इतना टाइम निकाल के अपना हमें इतने कीमती मैसेज करते हैं। उन कीमती मैसेज का अगर हम जवाब ना दे तो अच्छा नहीं होता। तो सबसे पहले कमेंट पढ़ने जा रही हूँ आज मैं खुद। तो पहला कमेंट है मीनाक्षी महाजन का 8623। सोप नहीं लगाते बेबी को, ओनली कोकोनट ऑयल लगाओ, बस स्किन सही हो जाएगी। तो गाइस हम बिल्कुल भी, मीनाक्षी जी, तो हम बिल्कुल भी ना बच्चों को सोप नहीं लगाते हैं, कोकोनट ऑयल लगाते हैं। और जो बच्चे हैं हमारे वो जेंटल वॉश से नहाते हैं और बिल्कुल वो भी मिनिमम लगाते हैं। सिर्फ थोड़ा सा इसलिए लगाते हैं क्योंकि बच्चों की मालिश हुई होती है तो बॉडी चिपचिपाहट होती है, तो हम बच्चों को कोकोनट ऑयल ही लगा रहे हैं। नेक्स्ट कमेंट है @devansh8010 का, नींद की तो पूछो मत, मैं जानती हूँ इस टाइम मेरा भी सेम यही हाल है। तो गाइस सच में, गाइस सच में अभी उबासी लिया है। ये बात आपने बिल्कुल सही बोली, एक माई जान सकती है जब बच्चे छोटे हो तो नींद की कीमत क्या होती है। बोलते हैं लोग प्रेगनेंसी जब आपकी होती है कि सो जाओ, पर वो होता नहीं है। कितना बंदा अपनी नींद पहले थोड़ी ले सकता है। और दो दिन से तो मेरी और पायल का ना मतलब नींद का ऐसा बैंड बजा पड़ा है, ऐसा बैंड हमें सर दर्द की गोली खानी पड़ रही है रोज। हाँ, क्योंकि और शक्ल ही बता रही होगी कि हमारी शक्ल इतनी ज्यादा अलग क्यों लग रही है, बिकॉज ऑफ नींद पूरी नहीं हो रही। तो नेक्स्ट कमेंट में बढ़ने जा रही हूँ @vaishnavi_trivedi7241 का, अबे भैया तुम पहले डिसाइड कर लो हिंदू हो या मुस्लिम, क्योंकि अगर हिंदू हो तो तीनों बच्चों का नाम चेंज करो, अगर मुस्लिम हो तो चीकू, पायल और कृतिका का नाम चेंज करो और तीनों लड़कों का खतना करवाओ। तो देखिए वैष्णवी त्रिवेदी जी, आपके नाम से पता लग रहा है कि आप हिंदू हैं, तो हमारे नाम से भी पता लगता है कि हम लोग हिंदू हैं। पर हम लोग ये भेदभाव नहीं करते हैं कि अगर नाम, क्योंकि जो तूबा नाम है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, वो हिंदू में भी आता है, वो मुस्लिम में भी आता है। पर अरमान जी का, ये तीनों नाम जो है अरमान जी ने बहुत पहले से सोचे हुए थे, डिसाइड किए हुए थे बच्चों की। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है कि हम हिंदू हैं तो हम मुस्लिम नाम रख सकते और हम मुस्लिम हैं तो हिंदू नहीं रख सकते। ये भेदभाव हम लोगों ने बनाया है, भगवान ने कुछ नहीं बनाया। और ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं होता, सब लोग एक ही होते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट में पढ़ने जा रही हूँ @queenqueen5704 का, आपको लोग जब बच्चों के कपड़े धोते हो तो ना कपड़ों को निचोड़ते नहीं है, अगर करोगे तो बच्चा पतला होता है और बच्चों को कभी भी सिर के पास नहीं बैठते। जी मैंने एक वीडियो में बैठी थी, उसके बाद मैं कभी नहीं बैठी हूँ। कीप स्माइलिंग एंड सेफ हेल्थ और मलिक फैमिली। तो ये बात तो आपने सही बोली, ये बात मुझे भी पता है कि बच्चों के जो कपड़े हैं वो ऐसे करके नहीं निचोड़ते। अगर बच्चों के कपड़े निचोड़ने होते हैं तो बॉल बनाकर निचोड़ते हैं और ऐसे नहीं, ताकि बच्चों के पेट में, बोलते हैं कि मरोड़ पड़ती है, उनके पेट में दर्द भी होता है। तो गाइस ये चीज हम नहीं करते, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट कमेंट है रिशु का 6865। हाय मैम, आई एम रिशु गुप्ता, प्लीज मुझे चीकू के कपड़े का कहाँ से ऑर्डर किए थे वो वीडियो में। अच्छा अच्छा, तो हमने चीकू के जो कपड़े हैं ज्यादातर देखो हम लोग हॉपस्कॉच से भी करते हैं और अभी जो रिसेंटली हम कर रहे हैं वो BMS फैशन से कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि चीकू अब जो है, पहले वो हमारे पसंद के कपड़े पहन लेता था पर वो अब अपनी पसंद के कपड़े पहनता है, तो उसके लिए वो खुद ही ऑर्डर करता है। नेक्स्ट कमेंट है रितु मानुल का 173। 3 से 4 महीने के बाद आप स्लीपिंग साइकिल ठीक हो जाएगी, बच्चों की डोंट टेंशन दी। पर ये जो 3-4 महीने ना, ये हमारे कैसे गुजरेंगे ये घबराहट हो रही है। अगर एक बच्चा होता समझ आता है, तीन बच्चे हैं तो तीनों के साथ ये कि तूबा और जैद की जो जोड़ी है ना वो साथ में उठती है, साथ में सोती है। जो अयान है हमारा, उसका थोड़ा सा स्लीप साइकिल है ना वो अलग है, वो चीज का बेनिफिट भी है। क्योंकि जब दो बच्चे हम दो माए तो हम दो बच्चे हैंडल कर लेते हैं, फिर अयान होता है तो उसको तो कोई भी हैंडल कर ले, तो ये चीज अच्छी भी है। नेक्स्ट कमेंट मैं पढ़ने जा रही हूँ @दीपक कुमार KP5HM का, रात में सोने से पहले देसी घी लगाया करो, आपका फेस की झाई चली जाएगी। जी बिल्कुल ट्राई करूंगी मैं दीपक जी। नेक्स्ट कमेंट है @colorfullife309, प्लीज चेंज तूबा एंड जैद नेम, सिंस जैद इज बोर्न ऑन हनुमान जयंती, सो कीप हनुमान जी का नाम तूबा नेम, व्हेन शी विल ग्रो अप शी वॉन्ट टू लाइक दिस नेम, उसे पसंद नहीं है। देखो ऐसा है, हमने अभी वैसे भी सोचा ही हुआ है कि जो नाम है चीकू के पापा ने रखे हुए हैं ये तो हम नहीं चेंज करने वाले हैं, ये नाम एज इट इज रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग जब अभी अयान का और तूबा का जब वो होगा हवन होगा ना, तब हम उनका राशि नेम भी रखने वाले हैं। और वो मैंने व्लॉग में बताया, अरमान मलिक व्लॉग में बताया है कि हम राशि नेम भी रखेंगे बच्चों का, तीनों का। तो नेक्स्ट कमेंट है @पूजा साई का 4639। सीरियसली हमारी नजर कभी नहीं लगेगी, हम जब आपके व्लॉग देखते हैं बहुत खुशी होती है। जी बिल्कुल सही बात है गाइस, अपनों की नजर कभी नहीं लगती है, तभी हम लोग बच्चों को दिखाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी इतनी बड़ी फैमिली है,
वेट कर रही होती है और इन बच्चों का वेट तो हमने 9 महीने किया था, तो आप भी चाहते हो कि बच्चों को देख कर, क्योंकि हम मिल नहीं सकते, पर जो खुशी बच्चों के चेहरे देख के, उनकी एक्टिविटीज देख के आप लोगों को होती है ना, वो अलग ही होती है। नेक्स्ट कमेंट है रक्षित 6917 का, आपकी वो वाली वीडियो का लिंक सेंड करना जिसमें डॉक्टर आपको बता रही थी कि ब्रेस्ट फीडिंग कब तक करवाएं और आफ्टर डिलीवरी क्या क्या, प्लीज सेंड वीडियो लिंक। ठीक है गाइस, तो वो जो वीडियो लिंक है ना आपको दिख जाएगी, पायल के जो हॉस्पिटल वाले व्लॉग्स है ना उसके बाद ही दिख जाएगी, जिसमें नूपुर मैम, पायल और मैंने, हम तीनों ने डिस्कशन किया था कि आफ्टर प्रेगनेंसी क्या क्या चीजें हमें लोग बोलते हैं अवॉइड करो, अवॉइड करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं काम करूंगी वो जो वीडियो लिंक है ना, उस वीडियो का जो नाम है मैं नेक्स्ट कमेंट वाले व्लॉग में बता दूंगी, वीडियो का नाम आप सर्च कर लेना। तो नेक्स्ट कमेंट में बढ़ने जा रही हूँ, @lovemarriagersrinasonu379, रात में बच्चों को झूले में नहीं सुलाते हैं और बच्चों के नाभि में 1 रुपए का कॉइन को लेकर दबाया करो, उससे बच्चों को नाभि ब्यूटीफुल होंगे। अच्छा, मुझे नहीं पता, मुझे भी नहीं, अच्छा तो बोल रही हूँ मैं, अच्छा। भी अच्छा रानी वाला, अच्छा तो हमें नहीं पता था गाइस इस बात का, और हमें पता लग गया तो हम ट्राई करेंगे। काफी सारी चीजें है जो पता चलती है जो आप लोगों के जरिए हमें पता लगती है, पता ही नहीं था हमें। नेक्स्ट कमेंट है @ravikukreja9492 का, मैम आप बच्चों के लिए कैरी क्लॉथ ले लो, उसमें सुलाने से बच्चों को अच्छी नींद आती है, बच्चों को माँ की गोद की तरह फील होता है। ये क्या होता है कैरी क्लॉथ, पता नहीं, मैं सर्च करती हूँ गाइस क्या होता है, मुझे एक्चुअली पता नहीं है, काफी सारी जो चीजें है ना वो पता नहीं होती, तो हम एक काम करते हैं अब भी सर्च करती हूँ और पायलों में देखते हैं। अच्छा, तो इसका तो जवाब मैंने ऑलरेडी देख चुकी हूँ। नेक्स्ट कमेंट है @alishakhan957 का, मैं डेली स्कूल से आती हूँ और मोबाइल खोल के आपका चैनल खोलती हूँ और आपके सारे व्लॉग्स देखती हूँ, जब सारे व्लॉग देख लेती हूँ तो फिर और भी देखने का मन करता है, प्लीज आप लोग व्लॉग को लंबा करो प्लीज। थैंक यू सो मच अलीशा जी, हम जितना ट्राई कर सकते हैं हम व्लॉग बनाते हैं, क्योंकि क्या होता है हमारे घर से बहुत सारे व्लॉग्स होते हैं, चीकू का व्लॉग होता है, अरमान जी का व्लॉग होता है, फैमिली फिटनेस का व्लॉग होता है, साथ साथ कमेंट्स भी होते हैं और साथ साथ तीनों बच्चों को संभालना भी होता है, चीकू को भी देखना होता है, तो हम दोनों ना गाइस पूरा दिन मैं और पायल पैकअप रहते हैं, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि हम लोग अपने लिए रेडी हुए, तो जितना व्लॉग बनाते हैं वो दिखा देते हैं, आप एंजॉय करें। नेक्स्ट कमेंट में बढ़ने जा रही हूँ @vrshasonisoni919535 का, ये मुस्लिम को ज्यादा सपोर्ट करते हैं इसलिए मुस्लिम नाम रखे हैं। तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पायल ने बताया है हमारे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों धर्म एक है, ये जो नाम है तूबा इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, अगर हम पहले से व्लॉग्स बना रहे होते ना तो फिर मैं आपको बताती कि ये चीकू के पापा ने कब कहा था, जब चीकू पेट में था तब भी बोला था मैं तूबा नाम रखूंगा, जब जैद पेट में था तब भी हम सोच रहे थे कि हमारी बेटी होगी, पर जब बेटी हुई तो हमने नाम रखा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग फर्क करते हैं, हम लोग कोई फर्क नहीं करते किसी भी चीज में, अगर हम पूजा भी करते तो हमारे मंदिर में हर एक भगवान जी की फोटो, ऐसा नहीं है कि हिंदू भगवान जी की फोटो है मुस्लिम भगवान जी की नहीं है, हम हर चीज को इक्वल मानते हैं। अभी पायल जब कुछ टाइम पहले गई थी तो वो दरगाह भी गई थी, साथ साथ वो गुरुद्वारा साहिब भी गई। तो नेक्स्ट कमेंट मैं पढ़ने जा रही हूँ @pallavisaini12 का, वो लिख रही है आप लोग मुस्कान को क्यों नहीं बुलाते और सुनीता दीदी भी रो रही थी आपने ब्लॉग में। तो देखिये सबसे पहली बात तो ये है कि मुस्कान को हमने ऐसा कुछ नहीं बुलाते, नहीं बुलाते हैं, मुस्कान अब एक अलग फैमिली में जो है वो सेटल है, अच्छे से रह रही है, ठीक है, तो हम ऐसे किसी को डिस्टर्ब नहीं करते बुलाने का, उसका मन होगा जब वो जब उसका दिल करेगा वो आ सकती है। ऐसा नहीं है कि हमारी बात नहीं होती, हमारी बात भी होती है मुस्कान से भी होती है, उसके बेटे से भी बात होती है वीडियो कॉल पे, बट हर चीज बंदा। और अगर आपने पहले के व्लॉग्स देखे हो तो जब सैलून खुला था तब भी सुनीता दीदी आई थी, राखी पे भी सुनीता दीदी आई थी, बर्थडे पे भी सुनीता दीदी आई थी, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो छोटी मोटी बात तो हर घर में होती है, अब भाई बहनों की आपस की बात है, ये खुद ही हैंडल कर लेंगे। तो बस इस कमेंट का इतना ही जवाब देना चाहूंगी मैं, तो इस व्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय गाइस।